लग रहा है कि इस्तीफा दे देना चाहिए केजरीवाल? बहुत जरूरी है इसका, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल देना चाहिए। मैं तो जेल से सरकार चलाऊंगा। मैं तो मतलब बच्चों वाली जेल बर्बाद कर दिया लोगों को, फ्री में शराब पर आप लाके कितने घर बर्बाद हुए देखा आपने जाके। आज भी कह रहे हैं हमने शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल पूरे देश में दिया। हाँ, शराब पिला पिला के मॉडल बनाएंगे। 1500 की बोतल 3000 में बांटी, लॉकडाउनों में दूध बांटते 60 रुपए किलो 70 रुपए किलो दूध है वो पिलाओ फ्री में। कांग्रेस दंगे वाली थी, इन्होंने आम आदमी पार्टी इसके साथ मिलकर दंगे वाली हो गई और इन्होंने टिकट भी गद्दार को दिया है। कन्हैया कुमार को के गले में जूतों की माला मैं डालूंगा उठा के। आज सबको पता है देश विदेश सारी जगह मोदी जी का नाम हो रहा है। 60 साल भी नहीं कर सके जो 10 साल में इन्होंने करके दिखा दिया। लेकिन मोदी जी जैसा काम नहीं कर सकता कोई। जी क्या नाम है? हाँ जी रचना खन्ना। कैसे देख रहे हैं कांग्रेस आरोप लगा रही है कि अगर तीसरी बार सरकार आती है तो संविधान बदल देगी? कोई बात नहीं, उनको काम है, उनका काम है, वो करने दो उनको काम। हम अपना काम कर रहे हैं, उन्हें अपना काम करने दो। भ्रम में लोग जीते हैं ना, उन्हें भ्रम में जीने दो। कोई बात नहीं कि नहीं कर रहे काम, हमें पता है काम हो रहा है नहीं हो रहा। तो क्या काम किया है सरकार ने? बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। क्या नहीं किया बताओ, चलो एक कारण आप बता दो क्या नहीं किया उन्होंने। लेकिन पूरा इंडी कांग्रेस ने क्या किया ये बता दो। लेकिन पूरा इंडी महागठबंधन बनाया जाता है तो वो कहता है कि मोदी हटाओ देश बचाओ। पहली बार वो कहते हैं केजरीवाल जी हम तो गठबंधन नहीं करेंगे, कांग्रेस से नहीं मिलेंगे। उसके बाद क्या किया? जेल भेजेंगे, इनको जेल भेजेंगे, उनको जेल भेजेंगे। क्या किया? मिल गए जिनके खिलाफ काम करते थे, जिनके आरोप लगाते थे, उनके साथ मिल गए। क्या किया बताइए, आप बताइए क्या किया। अभी भी वो कह रहे हैं ना कि मोदी सरकार ने चुनाव जीतने के लिए मेरे पीछे ईडी और सीबीआई। हाँ कोई बात नहीं, उन्हें बोल दीजिए, उनका काम है, उनको बोलने दीजिए। वो अपने मुंगेरी लाल के सपनों में जी रहे हैं, उन्हें जीने दीजिए। वो कह रहे हैं कांग्रेस आज जेल से सरकार चलाएंगे, चलाने दीजिए, चल रही है सरकार। क्या हो रहा है यहाँ पे बताइए, क्या हो रहा है, क्या सुधार किया केजरीवाल ने दिल्ली में? कह रहे तुम दिल्ली को लंदन बनाया। हाँ बना दिया लंदन। आपको लगता है लंदन बना दिया दिल्ली में? आपको लगता है लंदन बना दिया उन्होंने? लंदन वो लंदन जब ही चले जाएंगे ना तो वो दिल्ली नहीं बना पाएंगे मोदी जैसी। मोदी सरकार ने जो जो वादे किए, देखो हम भी अगर कोई वादे करते हैं तो एकदम नहीं पूरे हो जाते, ठीक है ना। चुटकी बजा के तो खाना भी नहीं बन जाता, आधा घंटा खाना बनाने में भी लगता है। तो धीरे 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 आगे बढ़ के वो अपना काम कर रहे हैं और भरपूर कर रहे हैं और करते रहेंगे और आगे हम तैयार हैं उनके साथ हैं। अब की बार 400 पार, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन जगह जगह पोस्टर लगाए जा रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता जेल का जवाब जनता देगी। देख लेना आप 23 तारीख को आने वाली जब रिजल्ट आएगा, आप पहले वोटिंग में देख लेना फिर रिजल्ट पे देख लेना। 4 तारीख को परिणाम आएगा, क्या परिणाम आ रहा है? बहुत बढ़िया परिणाम आ रहा है, भाजपा के पक्ष में सरकार बनेगी, भाजपा के अलावा और कोई नहीं आएगा। केजरीवाल जैसे लोगों को बहका तो सकते हैं पर सरकार चला नहीं सकते। ये भी उनमें से निकले जो चंद नेता झूठ बोल के बनते हैं, ये भी उनमें से, इनका भी पर्दाफाश हुआ है, ये भी चोर के चोर ही निकले। वो आज भी कह रहे हैं हमें कट्टर ईमानदारी की सजा भुगतनी पड़ रही है। कट्टर ईमानदारी की सजा भुगतनी, कोर्ट भी बिकी हुई है, सरकार भी बिकी हुई है, वकील बिके हुए हैं, ईडी बिकी हुई है, सब बिका हुआ है इनके नाम से। तो जबकि सारे के सारे यार बिके हुए होते, हमारी सरकार बिकी होती, हमारे ये कहते हैं नेता बिके होते या हमारे जुडिशरी बिकी होती तो ये जेल क्यों जाता है? जुडिशरी बिकी ये भी तो खरीद सकता था, पैसा तो दिल्ली सरकार का ये भी इस्तेमाल कर रहे थे, अपना घर शीश महल की तरह बना लिया इन्होंने, ये पैसा देते जज खरीद लेते, इन्होंने क्यों खरीदा जज को? आपको लग रहा है कि इस्तीफा दे देना चाहिए केजरीवाल? बहुत जरूरी है इसका, ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल देना चाहिए यार, मतलब क्यों नहीं देना चाहिए उसे इस्तीफा? आज तक कोई भी जो सीएम, जितने भी सीएमओ पे आरोप लगा उनमें से सबसे ज्यादा सीएम का टाइम जा रहा है कि वो अपना इस्तीफा नहीं दे रहे। मैं तो जेल से सरकार चलाऊंगा, मैं तो मतलब बच्चों वाली जेल की मैं तो सरकार चलाऊंगा, मैं जेल में हूँ, मेरे ऊपर आरोप लगे फिर भी मैं तो चलाऊंगा जी, मैं तो चलाऊंगा जी। क्या मतलब है, क्या मतलब है जेल से सरकार चलाएंगे? क्यों नहीं देते इस्तीफा? मानते क्यों नहीं अपना? बड़े चीख चीख के चिल्लाने नारे लगाते थे जो करेगा गलत काम करेगा, कोई अगर इस तरह का काम करेगा मैं जेल भेजूंगा, अगर मैं आरोपी हूँ, अगर मेरे पर भ्रष्टाचार का आरोप लगता है तो मुझे भी जेल भेजो। भेज दिया आज भाई, तुम्हारी करनी पे हमने अमल कर लिया, भेज दिया तुम्हें। देखिए सुनीता केजरीवाल को मैदान में उतार दिया ना, कोई बात नहीं उतारने दो, अब वो तो अपना पूरा खानदान उतारेगा, पूरा खानदान उतारो तुम। लड़की को बुलाओ, लड़के को बुलाओ, अपने सास को बुलाओ, ससुर को बुलाओ, सबको लाओ, सबको लाओ। लेकिन मोदी जी जैसा काम नहीं कर सकता कोई। जिस समय आम आदमी पार्टी बनी थी तब इसकी वाइफ कहाँ थी? आज इसकी वाइफ आगे आ गई एकदम ही। सारे राजनेता जिसका घर का बच्चा पैदा वो भी राजनेता, इन्हीं को हक है बस, और किसी को है ही नहीं लड़ने का। किसी को क्यों नहीं लाते? अपनी बीबी को मैदान में क्यों उतारा? और किसी कार्यकर्ता को क्यों नहीं लाते मैदान में? अपनी बीबी को क्यों उतारा? सोचने वाली बात है ना, थोड़ा सा लॉजिकल इस चीज को देखिए आप। केजरीवाल भी परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं। अरे किसी कार्यकर्ता को क्यों नहीं लेकर आते? पहले तो बड़ा ढोल पीटते फिरते थे, मेरा कार्यकर्ता सीएम है, मेरा कार्यकर्ता ये, मेरा। अब अपने परिवार को क्यों लेके आ रहे हैं बीच में? सुनीता जी क्यों आ रही है? उनके कोई और कार्यकर्ता या कोई और उनका पार्टी का नेता जो है वो क्यों नहीं आ गया था?
बताइए। केजरीवाल ने कन्हैया कुमार के साथ मिलकर कर दिया, शराब पिला पिला के लोगों को जिंदगी बर्बाद कर दी, बर्बाद कर दिया लोगों को, फ्री में शराब पिला पिला के क्या करा, घर को बर्बाद कर दिया उन्होंने, पूरे देश को बर्बाद कर दिया फ्री में शराबे पिला पिला के। कितने घर बर्बाद हुए देखा आपने जाके, फ्री की शराबे पिला पिला के। अरे दूध बांटो फ्री में, दूध बांटो फ्री में, शराबे बांट रहे हो, पेटियां की पेटियां फ्री में। इसको दिखाना जरूर आप, पूरे उन्होंने पूरा उन्होंने देश बर्बाद कर, कई लोग बर्बाद कर दिए उन्होंने, कई घर बर्बाद कर दिए उन्होंने शराबे पिला पिला के फ्री में। ये अच्छा काम करा उन्होंने, स्कूल सुधार दिए जी। अरे पैसा कितना खाया, चलो सुधार दिए, मान लिया सुधार दिए, कितने स्कूल सुधार दिए, पढ़ाई सुधारी, कोई नहीं पढ़ाई सुधरी। आप जाके हकीकत देखो, जमीनी हकीकत कुछ और है और जो दिखाया जाता है मीडिया में वो कुछ और है। आज भी कह रहे हैं हमने शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल पूरे देश में दिया। हाँ, आप एक भी दिखाओ कि ढंग से कोई एक भी आदमी, कोई एक भी लड़का, आप देखो यहाँ पे बहुत जबरदस्त है, देखो आप, मैं तो आपको बोल रही हूँ, आप एक दिन देखो, बहुत अच्छा मॉडल है, शराबे पिला पिला के मॉडल बनाएंगे ये, दूध पिलाओ, अरे दूध दूध पिलाओ, दही पिलाओ, छाछ पिलाओ, शराबे क्यों फ्री में बांट रहे हो, दूध क्यों नहीं बांट सकते, 1500 की बोतल 3000 में बांटी लॉकडाउनों में, दूध बांटते 60 रुपए किलो, 70 रुपए किलो दूध है, वो पिलाओ फ्री में, 150 रुपए की शराब की बोतल है फ्री बांटेंगे जी केजरीवाल, क्या मतलब है, बर्बाद करना चाह रहे हैं दुनिया को। इसी दिल्ली की जनता ने उनको सीएम, पीढ़ी आज की युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहा है केजरीवाल, अगर वो नहीं समझ पाए तो बर्बाद हो जाओ, बर्बाद हो। दिल्ली की जनता ने उनको लगातार 2 बार सीएम बनाया है ना? अच्छा, अभी एमसीडी में लाए हैं ना, एमसीडी में कैसे लाए हैं भाई, देखो 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती। मैं आज मोदी का सपोर्ट कर रही हूँ तो ये केजरीवाल का सपोर्ट भी कर रहे होंगे, कोई कांग्रेस का भी सपोर्ट कर रहा होगा। देखो लोगों के अंदर ना फ्री का घुसा दिया उसने अंदर दिमाग में, फ्री मिल रहा है, लोग लालच में मर गए। जो गरीब आदमी है वो लालच में मर जाता है, जिसके पास रोटी नहीं है वो थोड़े से लालच में मर जाएगा। दिल्ली की जनता से गलती हुई है, दिल्ली की जनता को धोखा मिला, धोखा भी मिला, गलती भी करी, अब वो गलती सुधारेंगे आने वाली तारीख में, देख लेना। देखो वो है छोटे इलेक्शन, निगम का इलेक्शन छोटा है, ये इलेक्शन है बहुत बड़ा, पूरा बड़ा इलेक्शन, पूरे देश का इलेक्शन है, तो इसमें आपको जवाब मिलेगा। जय श्री राम, दिल्ली में सातों देश के युवा की भी सुनो जी, देश का युवा है, आइए आगे। क्या नाम है? जी मेरा नाम करण सिंह छाबड़ा। तो युवा के दिल में क्या है? युवा के दिल में जी पहले भी मोदी थे, अभी भी मोदी हैं, क्योंकि आज का जो युवा जो उन्होंने बर्बाद कर दिया शराबे पिला पिला के, एक के साथ एक, आज के टाइम में लोग कॉलेज में नहीं जा रहे एक के साथ एक, पर ठेकों पर जा रहे हैं एक के साथ एक। तो इसलिए थोड़ा को समझदार बनाओ, सब समझदार बनना चाहिए और सबको अपने समाज से, समाज का नाम रोशन करना चाहिए। देखिए केजरीवाल के दिल में क्या है? तो वही जानता है वो, खोट, सिर्फ खोट, सिर्फ खोट है उसके दिल में, सिर्फ खोट। पंच 84 के दंगों के साथ है केजरीवाल, उसने देखा था 84 का दंगा, उसको पता था दंगा कैसे होता है, उसने ये दंगे के साथ दिया, उसने कांग्रेस दंगे वाली थी, इन्होंने आम आदमी पार्टी इसके साथ मिलकर दंगे वाली हो गई, और इन्होंने टिकट भी गद्दार को दिया है, कन्हैया कुमार को, के गले में जूतों की माला मैं डालूंगा उठा के, जी अगर यहाँ दुकान पे हमारी आ गया तो स्वागत नहीं करेंगे, स्वागत जूतों की माला से करेंगे उसका, इसके टुकड़े करने वाले गद्दार हैं वो लोग, वही कांग्रेस ने किया, वही इसने किया, वही आप खालिस्तान बनाना चाहते हैं, ये सब खालिस्तान के चक्कर में इन्होंने हमारे देश को बर्बाद कर दिया, सब एक साथ मिलकर रहते हैं हमारे यहाँ, हमारे यहाँ कोई भी ऐसी नहीं लड़ाई है जो इन्होंने लड़ाई ना लड़ी हो। कन्हैया कुमार दिल्ली को बदलने आए हैं, दिल्ली को अपना इलाका तो बदल नहीं पाए, और दिल्ली को क्या बदलेंगे, उसको दिल्ली के बारे में पता क्या है, दिल्ली के लोगों के बारे में जानते क्या वो लोग, उन्हें गलियां तक तो पता नहीं, एक गली का नाम बता दे मैं मान जाऊंगा उन्हें, ये देश के गद्दार हैं, इन्होंने गद्दारी शुरू से की है, ये गद्दारी के नारे देते रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि पब्लिक आज इकट्ठी हो चुकी है, पब्लिक को ये चीजें नहीं चाहिए, ये तुम्हारे लुभावने सावने चाहिए, ये जो इन्होंने वहां पर केजरीवाल भी जो हमें बहका के आया था वो आज वो उसकी सजा भुगत रहा है अपनी, जिस समय हमारे को हमारे देश को सारी चीज की जरूरत थी उसने शराब के अंदर हमारे को डुबो दिया उठा के, जो बीवी इंतजार कर रही थी हाँ जी मेरा आदमी पैसे लेके आएगा, वो शराब की 2 बोतलें लेके आ गया, ले ले पकड़ा, एक के साथ एक फ्री मिल रही है, ये किया इन लोगों ने हमारे साथ, सजा भुगत रहा है। उधर लालू यादव की बेटी कहती है अगर हमारी सरकार आई गठबंधन की तो देश का प्रधानमंत्री भी जेल में होगा। लालू यादव जिस समय राजनीति में आया था तो 2% का आदमी था, आज 100% का आदमी हो गया, उसकी बेटी सिंगापुर से वापस आ रही है, उसकी बेटी को अपनी गलियां तक तो पता नहीं है, राजयोग में जी के देखा इन्होंने, इनको पता नहीं है पब्लिक के साथ दुख क्या होता है, टिकट मिलना अपने बाप उस बेटी को टिकट देना ये तो बड़ा आसान है, आम पब्लिक जो उनके साथ लाखों लगे हुए हैं उनका तो कभी टिकट नहीं दिया इन्होंने ऐसे उठा के,
समझने वाली बात है ना, बिहार की जनता अपने आप को सोचती है मैं बहुत पढ़ी लिखी हूँ, IAS IPS बैठे हुए हैं, तो लालू जैसे उन पर यार राज भी तो कर रहे हैं। वो IAS IPS क्यों बने ये पता नहीं लगा मुझे, पर ये जरूर पता है कि वो राज जरूर कर रहे हैं, जैसे बेवकूफ लोगों के पर राज वो कर रहे हैं। मोदी ही एक विकल्प बचे हैं आपके पास? मोदी जी विकल्प नहीं है, आज सबको पता है देश विदेश सारी जगह मोदी जी का नाम हो रहा है। आज कहीं लड़ाई हो रही है तो मोदी जी को बुलाया जा रहा है कंप्रोमाइज के लिए, तो देश का नाम देखो ना, हमें अपने घर थोड़ा देखना, हमें देश भी तो देखना है। लेकिन राहुल गांधी खाली लोटा दिखा रहे हैं कि मोदी ने खाली लोटा थमा दिया जनता के हाथ में। जनता को पता है ना इंफ्रास्ट्रक्चर, आप भी देख रहे हो, आज आप भी रोड से बाहर निकलते हो आपको ही पता है कहाँ तरक्की हो रही है। नितिन गडकरी जी ने जितना काम किया, इनकी सरकार 60 साल रही, 60 साल भी नहीं कर सके जो 10 साल में इन्होंने करके दिखा दिया। आज घर घर जो खाना मिल रहा है जिसको मांग रहे ना, मत लो ना हाथ में, क्यों भीख फैला रहे, मोदी जी राशन दे रहे, मत लो, अपनी ईगो पे रखो ना, क्यों ले रहे हो आप लोग राशन, आपकी अपनी ईगो वहाँ कहा जाती है जिसमें लंगर बट रहा था हाथ फैला रहे होते हो। लेकिन राहुल जी की तो बात ना ही करें तो अच्छा है, वो तो सोने में से आलू उगाते, तो ऐसे लोगों की तो हम लोग सुनते ही नहीं है, आलू से सोना बनाते, तो ऐसे लोगों की तो एग्जिस्ट ही नहीं करते वो हमारे लिए। कह रहे हैं हम एक झटके में, हम एक झटके में गरीब हटा दे, हमारे लिए वो एग्जिस्ट अभी तक क्यों नहीं हटाए, देश को आजाद हुए भी कितने साल हो गए अभी तक क्यों नहीं हटाए गए, अभी अभी सब कुछ याद आया, वो हमारे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करते, राहुल गांधी हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं, हम उनके लिए कुछ बोलना भी ना अपना अपमान समझते हैं कि हम उनके लिए बोल रहे हैं, है क्या ये उनके लिए बोलना, मतलब अपने आप को बेकार। राज हैं भविष्य के राजकुमार, भविष्य के राजकुमार हैं उनकी गठबंधन के मुताबिक, हमने क्या कहा हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते, हम राहुल गांधी के लिए कुछ बोल ही नहीं सकते ना, बोलेंगे उनके लिए बोलना मतलब अपनी बेइज्जती कराना, वो इनके लिए बोल रहे हैं हम जो आलू से सोना उगा रहे हैं, जिन्हें पता ही नहीं क्या बोलना क्या नहीं बोलना, जिन्हें बोलना ही नहीं आता, उससे अच्छा तो 3 साल का बच्चा बोल लेगा जो जितना अच्छा वो राहुल गांधी। बहुत बहुत शुक्रिया।